माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। लीलाधरजींनी मला खूपच कठीण काम दिलेलं आहे, म्हणजे 3 ते 5 मिनिटात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांचा परिचय करून देणं म्हणजे अगदी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. व्हॉट डू यू से? पण तरी सुद्धा आय विल डेफिनेटली ट्राय. आणि आय एम सो हॅपी की इथे आज हे नवचेतना जे व्याख्यानमाला आहे त्यात जो पहिला पुष्प गुंतला जाईल दॅट विल बी बाय द हँड्स ऑफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी. श्रीराम यांचं नाव घेऊन तर सुरुवात होतच आहे, म्हणजे राष्ट्रपुरुष श्रीराम यांचं नाव घेऊन, पण त्यात पण जो श्रीरामाचा म्हणजे जो अगदी आवडता असा एक व्यक्ती असेल तो म्हणजे आपल्या भारतवर्षात तो म्हणजे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी. अभी मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हिंदी में बात करेंगे यहाँ पे. और आपको आप में से सभी जन को पता होगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इनका क्या उनकी जो मतलब कितनी क्या क्या पीड़ाएं उन्होंने उठाई हैं श्री राम जी के लिए. आप में से कितनों को पता है कि राम सेतु ये डॉक्टर स्वामी की वजह से आज वास्तविकता में है. और ये अभी राम मंदिर जो भव्य राम मंदिर जो बनेगा उसका मुख्य कारण भी तो डॉक्टर स्वामी ही तो है. घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा. एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम. ये नारा कितना प्रसिद्ध किया है डॉक्टर स्वामी ने ट्विटर पर. और उन्होंने एक और नारा बोला है, राम राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे. राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे. तो डॉक्टर स्वामी ने राम मंदिर, राम सेतु और मानस सरोवर यात्रा और कितने सारे मंदिरों का जो अस्तित्व है उसको साबित रखने के लिए उन्होंने बहुत 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 पीड़ाएं उठाई हैं. और ये सब उन्होंने एक वन मैन आर्मी होके बनाया है. ये सब वो ये जो केसेस वो लड़े हैं वो एज अ लॉयर नहीं लड़े हैं. वो खुद लॉयर नहीं है बाय प्रोफेशन. वो तो है इकोनॉमिस्ट, वो तो है एक इंटेलेक्चुअल. और वो जैसे आपको सबको पता होगा 6 टाइम 6 बारी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं. 3 बार राज्यसभा, 3 बार लोकसभा. कितने लोगों को ये पॉसिबल होगा, कितने लोग कर सकेंगे ऐसा. और अभी आज ये तो हुआ राम जी के लिए. और आपको पता होगा कि करप्शन के केसेस में ये जो गांधी परिवार और जो कांग्रेसी सब अंदर जाने की तैयारी में है वो किसकी वजह से है. ये जो बैलगाड़ी जा रही है धीरे धीरे तिहार जेल की तरफ वो किसने पहुंचाया वहां तक. ये पीसी आपको पता होगा वो किसकी बात हो रही है, जिन्होंने अभी पूरी सेंचुरी मारी है जेल के अंदर, उनको किसने पहुंचाया वहां तक. तो और अगर डॉक्टर स्वामी जो मन में जो ठान लेते हैं ना वो करके दिखा देते हैं. उन्होंने अभी हमको बोला है कि थोड़े ही दिनों में पूरी जो कांग्रेस वर्किंग कमिटी है
जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पी चिदम्बरम हो, शशि थरूर हो, या जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे तिहार जेल के अंदर, और उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बनेंगी तिहार जेल में। अब और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सुनेंगे डॉक्टर स्वामी जी से, खुद राष्ट्रपुरुष श्री राम के बारे में, और जानेंगे कि डॉक्टर स्वामी को कैसे ये सब प्रेरणा मिलती है, कैसे इन्होंने ये सब किया है, जो 2011 से 2016 तक जो कोल्ड स्टोरेज में जो केसेस पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने किस तरीके से उन्होंने उसको बाहर लाया, उन्होंने कैसे हमारे उधर के जो टूरिस्ट हैं उनके बेनिफिट के लिए उन्होंने केस डाली थी पहले, और फिर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के जरिए उनके उस केस के जरिए कैसे पुनर्जीवित किया इस केस को, और आज जो हम देख रहे हैं कि हमें इतनी बड़ी एक जो सफलता मिली है कि अब भव्य राम मंदिर जरूर बनेगा। तो जानेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से। जय श्री राम। जय।